स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में सेक्टर 12 का टाउन पार्क बदहाल स्थिति में है। घूमते आवारा पशु व बंदरों के आतंक से यहां सैर करने वाले लोग हमला होने के डर से भयभीत रहते हैं। अगर पार्क में सफाई की हम बात करें तो यहां की दयनीय हालत देखकर लगता है कि यहां कभी सफाई होती ही नहीं। पार्क में जहां हरियाली लहलाती नजर आनी चाहिए, वहां मदिरा पान की खाली बोतलें व खाली पड़े प्लास्टिक के गिलासों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पार्क का कितना ख्याल रखा जा रहा है। इस अनदेखी के चलते अब यह पार्क लोगों के लिए सैर करने के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। इस पार्क के रखरखाव का जिम्मा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का है। वरिष्ठ अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ, वजीर सिंह डागर, दिनेश मुदगिल, अधिवक्ता देवदत्त कौशिक, अधिवक्ता हाजी अरशद खान का कहना है कि सरकार की तरफ से टाउन पार्क के लिए खूब पैसा दिया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की तरफ से सफाई व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। स्वास्थ्य लाभ के लिए हजारों लोग रोज सुबह व शाम सैर करने टाउन पार्क पहुंचते हैं, लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ लोग सैर करने से कतराने लगे हैं। इसे यहाँ निरंतर संख्या कम होती जा रही है। प्राधिकरण के मालियों और चौकीदार का प्रबंध नाम मात्र है। पार्क उजाड़ की स्थिति में पहुंच गया है। जहां घास होनी चाहिए वहां धूल उड़ती नजर आती है। आवारा पशु घूमते घुमाते इस पार्क में घुस आते हैं, जो सैर करने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके चलते मेन गेट पर नियमित तरीके से चौकीदार की तैनाती होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।